बढ़ने दो। नहीं, सही किया गलत किया है गवर्नमेंट ने? बहुत अच्छा किया। कैसे? मारना है ना गरीबों को, अमीरों को भी मारना है, अभी मारने दो। पहले हम 10 घंटे बाइक चलाते थे, 1500-2000 रुपये हम कमा लिया करते थे विदाउट फ्यूल। अब हम 10 घंटे बाइक चलाते हैं, 1000 हमारा पूरा नहीं होता। बिजली के बिल कैसे थे, गैस के बिल कैसे थे, ऊपर से अब ये अजाब नया मुसल्लत कर दिया गया है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ना मसाइल पैदा हो रहे हैं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका हाउस मदर जाट, आपके अपने चैनल डिजिटल क्रियो पाकिस्तान के साथ। आज हम मौजूद हैं लाहौर में माल्टन मोड पे। आइए कुछ लोगों से सवाल करते हैं। पेट्रोल बढ़ाया गवर्नमेंट ने यकम तारीख से पहले 35 रुपये लीटर, उस बारे में क्या राय है आपकी? कोई बात नहीं है, बढ़ने दो। नहीं, सही किया गलत किया है गवर्नमेंट ने? बहुत अच्छा किया। कैसे? मारना है ना गरीबों को, अमीरों को भी मारना है, अभी मारने दो। ने पेट्रोल बढ़ाया 35 रुपये फी लीटर, यकम जनवरी से पहले यकम फरवरी से पहले बढ़ा दिया ना, यकम से यकम को बंद है बढ़ा दिया, उस हवाले से क्या कहते हैं आप, कोई फ़र्क पड़ा है? बेटा फ़र्क इतना ज़्यादा पड़ा है कि पहले ही इतनी मार मिल रही है हमें, मुश्किलों में ज़िंदगी बसर हो रही है। बिजली के बिल कैसे थे, गैस के बिल कैसे थे, ऊपर से अब ये अजाब नया मुसल्लत कर दिया गया है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ना मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब ये जो आदमी 20,000-30,000 मुलाजमत कर रहा है, उसके लिए ये 300-400 का डेली पेट्रोल कैसे वो अफोर्ड कर सकता है? वो घर का खर्चा कैसे चलाए, बिल कैसे पे करे, बच्चों की तालीम कैसे दे? ये सारे मसाइल बहुत बढ़ते जा रहे हैं। कि अब जैसे पेट्रोल बढ़ने का आपको पता चलता है, पेट्रोल पंपों पे रश लग जाता है डलवाने बजाय सजाज के, हम लोग कहते हैं यार फुल करवा लें, टैंकी फुल करवा लें। तो इस बात में पॉइंट है ये भी कि करना चाहिए उनको भी इसके बारे थोड़ा सा, कि मतलब गाड़ियाँ अपनी लगानी चाहिए, थोड़ा सा रोकना चाहिए, तो जो है ना हमारी अपनी भी गलती है कुछ। पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है 35 रुपये लीटर यकम से पहले, उस बारे में क्या कहते हैं, क्या राय है? सर IMF का डंडा है तो वो बढ़ाया है उन्होंने, ये IMF के मुआदे हुए हैं। इनको वाम का भी तो सोचना चाहिए ना, यकम से पहले बढ़ा क्या करे, कहाँ से दे पैसे? ये बजट जो है ना, ये कहाँ से बनाए, ये जो लॉस में चल रहे हैं इदारे, वो कहाँ से दें? ये हुक्मरानों को अपनी शाह खर्चियाँ कम नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है गवर्नमेंट ने यकम से पहले 35 रुपये इंक्रीज किया है, क्या कहते हैं उस बारे में? देखें जी, जिसने डलवाना है ना, उसने डलवाना ही डलवाना है, ठीक है? अगर ये 300 रुपये लीटर भी हो जाता ना, तो मुझे नहीं लगता कि आवाम ना डलवाए। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, फ्यूल ऊपर गया 35 रुपये लीटर, उस बारे में क्या कहते हैं आप? ये बहुत बड़ी ज्यादती है मुल्क के साथ, आवाम के साथ, लोगों के पास खाने का आटा नहीं और ये पेट्रोल के पीछे पड़े, ऐसे तो नहीं चलेगा। बढ़ाई है यकम से पहले 35 रुपये लीटर, सही किया गलत किया? गलत किया है, सही किया है। किसका कसूर समझते हैं सर आप इसमें, अवाम का या गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का है, अवाम का किधर आ गया? नहीं, अवाम का भी नहीं है, अवाम भी तो देखें सड़कों में निकलने के बजाय अवाम रात को लाइनों में लग जाती है कि टैंकियाँ फुल करवा लें। मसला ये है कि रोटी नहीं पूरी हो रही, तो वो क्या करें, लाइनों में किधर लगे, सड़कों पे कैसे निकले? लीटर बढ़ा दिया, उस हवाले से क्या कहते हैं आपकी, क्या राय है? उस हवाले से मैं ये कहता हूँ, जो इन्होंने ये काम किया है, ये बहुत गलत फैसला है इनका। जो गरीब है ना, गरीब मर गया समझ लें अब आप, जो रईसई कसर थी वो पूरी हो गई है। पहले हम 10 घंटे बाइक चलाते थे, 1500-2000 रुपये हम कमा लिया करते थे विदाउट फ्यूल। अब हम 10 घंटे बाइक चलाते हैं, 1000 हमारा पूरा नहीं होता, घर के बिल इतने आते हैं, किराए का घर है, आटा घी चीनी पूरा करें, किराया दें, क्या करें बताएं हमें आप, हम बहुत परेशान हैं। तो लिहाजा इस पर जो है पेट्रोल के प्राइस कम करें, ताकि गरीब ज़िंदा रहे। गरीब ज़िंदा रहेगा तो आपको वोट मिलने हैं, अगर गरीब ज़िंदा नहीं रहेगा वोट कहाँ से मिलने हैं, कब्रिस्तान जाके वोट लेने हैं लोगों ने। ये पेट्रोल की यकम से पहले 35 रुपये फी लीटर बढ़ा दिया, उस बारे में क्या कहते हैं आपकी, क्या राय है? बस लोगों के घरों में खाना नहीं पूरा हो रहा, और वो पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है लोगों ने साइकिल ही लेनी है बाहर जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, जो है ना इसको थोड़ा सा समझते हैं। लोगों का कसूर है या हुकूमत का? हुकूमत का ही कसूर है, जारी सी बात है कि वो अपनी पॉकेटें भरी जा रहे हैं, और आवाम के पास तो इतना पैसा सोर्सेज ही नहीं है इतने। नहीं, लोगों का भी कसूर नहीं समझते आप? नहीं, मैं नहीं समझता। बात कर रहे हैं से हम कतराते हैं, घबराते हैं, यही सोचते हैं कि बस हमारा मसला हल हो जाए किसी तरह से, बाकी ये साथ वाला जो है वो बाढ़ में जाए, तो ये बहुत बुरा हो रहा है। दिन आपने देखा लोगों के, मुख्तलिफ लोगों की राय जानी, गरीब आदमी अमीर हो, कोई बाइक पे है या गाड़ी पे, हर बंदा पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत से परेशान है, रो रहा है, कोई कहता है गवर्नमेंट का कसूर है, कोई कह रहा है अवाम का कसूर है, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई कहते हैं कि एहतजाज, जिसको कहा कि एहतजाज किया जाए, वो कह रहे हैं जी हम एहतजाज कैसे करें, गरीब आदमी पहले भूखा मारा, कैसे अपनी दिहाड़ी ज़ाया करे, कैसे टाइम ज़ाया करे,
गवर्नमेंट को खुद ही सोचना चाहिए। मजीद ऐसी वीडियो और कंटेंट देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। डिजिटल क्रू पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।